माननीय मुख्यमंत्री जी भी ऊब चुके हैं, अब उनको कामकाज में मन नहीं लग रहा। जनता भी उनसे ऊब चुकी है, उनके पार्टी के लोग भी उनसे ऊब चुके हैं, उनके सहयोगी भी उनसे ऊब चुके हैं, और यही नहीं अधिकारी भी उनसे ऊब चुके हैं। आज अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पद पर मुख्यमंत्री के हैं तो आज मांझी जी के बदौलत ही मुख्यमंत्री पद पर है। ठीक ही कहा मांझी जी ने, अगर 121 आ जाता तो कहां से मुख्यमंत्री बन पाते। आप देखिएगा कि स्कूल के टाइमिंग को लेकर के इतनी बार जो है चर्चा चल रही है। विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई समय में बदलाव किया जाएगा, लेकिन फिर भी बदलाव नहीं किया जा रहा है, तो एक दिखाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल जो है खत्म हो चुका है। और ये स्कूल टाइमिंग की बात कब आई? आपको शीतलहर चल रहा था, हम लोग सरकार में थे, कैबिनेट में सभी मंत्रियों ने इस बात को उठाया मुख्यमंत्री के समक्ष कि शीतलहर चल रहा है तो टाइमिंग में बदलाव किया जाए, इससे परेशानी होती है बच्चों को। उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, लेकिन अब आप समझ लीजिए एक मुख्यमंत्री की बात एक अधिकारी नहीं मान रहा है, कितना गंभीर मामला है ये। और आज तक ऐसा कहीं भी देश में नहीं होगा कि कोई मुख्यमंत्री आदेश देता है और उसका पालन नहीं किया जाता, बल्कि उल्टा ही जो है अलग टाइमिंग दे दिया जाता है। तो ये तो साफ दिखाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल खत्म हो गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी भी ऊब चुके हैं, अब उनको कामकाज में मन नहीं लग रहा। जनता भी उनसे ऊब चुकी है, उनके पार्टी के लोग भी उनसे ऊब चुके हैं, उनके सहयोगी भी उनसे ऊब चुके हैं, और यही नहीं अधिकारी भी उनसे ऊब चुके हैं। तो इस तरह से बिहार जो है आगे नहीं बढ़ने वाला, इस तरह से बिहार में विकास संभव नहीं है। और मांझी जी ने ठीक कहा कि चार विधायक हैं उनके, चार विधायकों वाला दल है उनका, और आज अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पद पर मुख्यमंत्री के हैं तो आज मांझी जी के बदौलत ही मुख्यमंत्री पद पर है। पहले हमारा सबसे बड़ा दल था, पहले हम लोगों ने बनाया, आप देखिएगा भाजपा ने पहले बनाया था, उनको भाजपा को छोड़ दिया, फिर हम लोगों ने बनाया, हमको छोड़ दिया, फिर भाजपा को छोड़ दिया, फिर हमको छोड़ दिया, तो बार बार ये तो तीसरी नंबर की पार्टी है। भाजपा ने बनाया कई बार, हम लोगों ने कई बार बनाया मुख्यमंत्री उनको, और चार दल वाली पार्टी ने इस बार जो है बनाया। 125 ना था, ठीक ही कहा मांझी जी ने, अगर 121 आ जाता तो कहाँ से मुख्यमंत्री बन पाते। तो मांझी जी ने एक और बात कही जिस बात को हमने विधानसभा में कहा था कि कई वाली बात, तो आखिर बताना चाहिए कि कौन है ये दो तीन जो केकई, तीन चार जो केकई है वहाँ बैठे हुए, ये कौन है? और हम तो कहते हैं केकई के साथ मंथरा भी है, ये बताना चाहिए, जब समय आएगा तो हम लोग बताएंगे, लेकिन पहले इनको स्पष्ट ढूंढना चाहिए कि कौन लोग। आप नीतीश कुमार के पलटने की बात करते हैं, लेकिन जेडीयू ने कहा है, आप नीतीश के पलटने की बात करते हैं, जेडीयू कह रही है कि बिहार की जनता के हित में अगर 10 बार भी पलटना हो तो नीतीश कुमार पलटे। इसमें हित हो रहा है कि अहित हो रहा है, उनको मायने नहीं समझ में आता हित और अहित का, बताइए इस तरह का बयान दे रहे, तब तो पलटते रहो, हर दिन पलटते रहो, सुबह कुछ और आदेश दो और शाम में कुछ और आदेश लो। अरे एक अधिकारी तो बात मान ले।